आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। अल्मोड़ा में रोडवेज बस ने सफाई कर्मचारी को कुचला, मौके पर ही तोड़ा दम। अल्मोड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डे में रोडवेज बस की चपेट में आने से सफाई कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी अपनी माता का एकमात्र सहारा था, ऐसे में उसकी माँ बेसुध हो रही है। हरिद्वार पुलिस ने लौटाए लाखों रुपए के मोबाइल, खोए फोन पाकर लोगों के चेहरे पर दिखी अलग ही मुस्कान। हरिद्वार पुलिस ने 415 लोगों के फ़ोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया है। खोए फोन पाकर लोगों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान देखने को मिली है। उनका कहना था कि वो फ़ोन मिलने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद की। दिल्ली के सातवें चोर हरिद्वार से गिरफ्तार, चैन स्नैचिंग से उड़ा रखी थी पुलिस की नींद। हरिद्वार पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले तीन लुटेरों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। तीनों चोरों ने हरिद्वार में दो दिन में दो चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। इससे पुलिस की चुनौती भी बढ़ गई थी। डूंगरी मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी कार, परिवार के दो लोगों की मौत, चार लोग घायल। परिवार डूंगरी गाँव से रुद्रप्रयाग जा रहा था, इस दौरान डूंगरी मार्ग पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। जेल से छूटते ही लड़की को लेकर फुर हुआ अमजद, धर्म परिवर्तन कराकर किया रेप, पहले भी कर चुका ऐसे कांड। उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने लड़की को भगाने वाले आरोपी अमजद को गिरफ्तार कर लिया है। अमजद पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर पहले अवैध तरीके से लड़की का धर्म परिवर्तन कराया, फिर उसके साथ रेप किया। आरोपी पहले भी इस तरह के कांड कर चुका है, जिसमें वो जेल भी जा चुका है। पर्यटकों से गुलजार हुई फूलों की घाटी, डेढ़ महीने में पहुंचे 6309 टूरिस्ट। चमोली जिले की फूलों की घाटी में हर दिन पर्यटक पहुंच रहे हैं। डेढ़ माह में अब तक 6309 टूरिस्ट फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं। सड़कों पर उतरी हल्द्वानी महिला डिग्री कॉलेज की छात्राएं को एजुकेशन के विरोध में उठाई आवाज। महिला डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में आज और एजुकेशन के विरोध में छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच उन्होंने किसी भी हाल में महाविद्यालय को एजुकेशन के अंतर्गत शामिल नहीं होने देने की बात कही। डीएम वंदना सिंह ने रामनगर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, बिजली विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने रामनगर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए, तो बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। मॉनसून खत्म होते ही उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें, जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के दिए निर्देश। लाठी डंडा त्रिशूल पर बैन, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। उत्तराखंड में जोरों पर कांवड़ यात्रा की तैयारियां। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोरों पर हैं। अभी तक कांवड़ यात्रा को चार दौरे की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इन बैठकों में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए। उपचुनावों के बाजीगरों को कांग्रेस ने किया सम्मान, हेडक्वार्टर्स से दिया लोकतंत्र का संदेश। बीजेपी में लगी धाम मनाने की होड़, सतपाल महाराज गणेश जोशी के बाद कंपटीशन में उतरे सीएम, हरदा ने कसा तंज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में तो धाम बनाने की होड़ सी लगी हुई है, इससे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी के साथ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उतर गए हैं। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज देवाल, अभिभावकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी सख्ती, ठेली फेरी वालों का होगा वेरिफिकेशन, सभी को दिखाने होंगे कागज। उत्तराखंड में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य के सरकार ने ठेली फेरी लगाने वालों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत भले ही वह व्यक्ति उत्तराखंड निवासी हो या अन्य प्रदेश से आकर यहां रोजगार कर रहा हो, उसका सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में शहरी विकास निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। रुद्रप्रयाग में चोपड़ा डूंगरी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार खाई में गिरने से दो युवक की मौत, चार घायल। लोस चुनाव में हार की समीक्षा करने पहुंची कांग्रेस फैक्ट फाइटिंग कमेटी, नेताओं से ली रही फीडबैक।
देवीकुंड के चर्चित मंदिर का मामला रातों रात नहीं बन गया बंद। कई महीनों से चल रही थी कब आया जानिए पूरा मामला। बागेश्वर जिले में सुंदरडुंडा घाटी के देवीकुंड में जिस मंदिर के निर्माण के लिए इन दिनों खूब हल्ला हो रहा है, वह मंदिर रातों रात नहीं बना। मंदिर निर्माण के लिए पिछले वर्ष सितंबर के महीने से कवायद चल रही है और यह जाहिर था। शिक्षकों को पहाड़ चढ़ाने के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव की तैयारी, तैयार हो रहा प्रस्ताव। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा, अफसरों को दिए ये निर्देश। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी की आपदा से प्रभावित जगहों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही नुकसान का जायजा लिया, साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को अहम निर्देश दिए।